तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए योगी सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। हालांकि इस बार सरकार ने सिर्फ 55 घंटे के लिए ही लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। प्रदेश में लॉकडाउन लागू होने के बाद बाराबंकी में पुलिस ने शहर में जगह जगह नाकाबंदी और पेट्रोलिंग तेज कर गाड़ियों की सघन चेकिंग की। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। एसपी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर रात 10 बजे से देर रात तक बेवजह घर से निकलने वालों के साथ बिना मास्क बिना हेलमेट पहने घूम रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियों का न सिर्फ चालान किया बल्कि जुर्माना भी लगाया। एसपी ने कहा, अब मास्क ना पहनने वालों को 100 रुपए नहीं 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। देखा जा रहा है कि ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसको नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि आज रात 10 बजे से 55 घंटे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के बाजार बंद रहेंगे। शहरी ग्रामीण किसी भी प्रकार का बाजार नहीं खुलेगा। पूर्व की तरह से केवल दवा की दुकानें खुलेंगी। लोग भी अपने अपने घरों में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। केवल आवश्यक वस्तुओं से जुड़े हुए वाहन और लोग जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं वो निकल सकते हैं। गांव में जो निगरानी समितियां हैं उसके सदस्य निकल सकते हैं। इसके लिए पुलिस को अलग से निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर कोई आदमी अपना आई कार्ड दिखाता है निगरानी समिति में है तो उसे जाने दिया जाए। इसके लिए कोई अलग से पास इश्यू नहीं किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र जितने भी हैं, चाहे शहरी क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में, वो खुले रहेंगे। हाईवेज खुले रहेंगे, हाईवेज के ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन जो सामान्य मूवमेंट है, अकारण लोग निकल रहे हैं घरों से, वो नहीं निकलेंगे। इसको सख्ती से पालन कराया जाएगा। मैं इस समय अपनी टीम के साथ यहाँ देवा तिराहे पर मौजूद हूँ और जो लोग भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनका नियमानुसार चालान किया जा रहा है, उन्हें ये सूचित भी किया जा रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बाराबंकी निवासियों से अपील करता हूँ कि पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई में सहयोग करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें। अगर आप सड़कों पर मिलते हैं, कोई कारण आप नहीं बता पाते हैं, तो आपका चालान किया जाएगा। आपको बता दें कि सोमवार सुबह 5 बजे तक घोषित इस लॉकडाउन के दौरान शनिवार और रविवार को प्रदेश के सभी कार्यालय और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार हाट गल्ला मंडी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समेत आवश्यक सेवाएं और वस्तुओं की आपूर्ति इस दौरान जारी रहेगी। इन सेवाओं से जुड़े कार्मिकों और डोरस्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाराबंकी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।